तो सारे भाइयों जी राम राम, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनू वाली में। उचाणा मंडी के मैन गेट पर हाँ दिशा निर्देश हुए हैं। आज 15 तारीख को सरसों की खरीद चालू कर दी गई है और मंडी का गेट पर हाँ आप प्रशासन मार्केट कमेटी और भी के कुछ व्यवस्था बना रखी है, वो आपने सारी कुछ दिखावांगे। पूरा स्टाफ यहीं पर है तो के व्यवस्था बना रखी है, पहले तो वो दिखा दें आप तक। बिल्कुल लाइन में जितने भी पीछे से दिखाऊंगा मैं आपको। तो आप मेरा पीछे देखने लग रहे हो तो मंडी तक बाहर प्रशासन ने लाइन लगवा रखी है ट्रैक्टरों की और सोशल डिस्टेंस के लिए पुलिस वाले साथ में हैं भाई, कोई किसी प्रकार की हा हुल्लड़ ना हो और किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। तो जो खरीद हुई है उसके लिए फिर अरे एक साधन को सैनिटाइज करने के बाद में अभी तो ये अरे एक साधन को सैनिटाइज करने के बाद में अंदर एंट्री करवाई जावे, उसके बाद की जो प्रतिक्रिया वो आप तक मैं दिखाऊंगा। तो मेरा पीछा आप जो देखने लग रहे हो यह व्यवस्था बना रखी है, इसमें पूछ लिया राम राम जी। तो यहाँ पर के प्रतिक्रिया हुआ है एंट्री कराने के बाद में जी? यहाँ तो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जावे जी। अच्छा, जा रहा टेम्परेचर रिकॉर्ड कराया जावे ताकि पता चले हाँ जी कितना तापमान है। ठीक है ठीक है, और क्या क्या व्यवस्था करवाई गई है जी? इस तरह सैनिटाइजर दिलाए जावे जी, मास्क दिए जावे है और वहाँ के नाम है पूरा ट्रैक्टर सैनिटाइज किया जाता है। तो यहाँ पे मास्क है ये मार्केट कमेटी अवेलेबल करवा रही है, हर एक को कपड़े के मास्क दिए जाने लग रहे हैं और सैनिटाइज करवाने के बाद में तब एंट्री करवाई गई है। तो ये तो है अंदर एंट्री करवाने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है वो, किसी तरह की कोई दिक्कत। नमस्कार जी, तो आओगे जी दो मिनट के लिए? तो प्रशासन को इसके लिए क्या दिशा निर्देश मिले हैं कि सोशल डिस्टेंस और साथ में खरीद चालू हो जाए तो क्या कुछ चाक चौबंद प्रबंध करे गए? इसमें चाक चौबंद ये किए गए, यहाँ से जो भी जिम्मेदार आएगा पूरे सैनिटाइज के हिसाब से जाएगा और सोशल डिस्टेंस का तो बहुत ही ज़्यादा सख्ती से पालना करवाई जाएगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंस के एक कोरोना तोड़ने का यही एक उपाय है। ठीक है, यहाँ जो भी आदमी सैनिटाइज आएगा सबको मास्क दिए जा रहे हैं, जो लेके नहीं आ रहे हर आदमी का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और खरीद में जो सरकार के आदेश उनकी सख्ती से पालना की जाएगी। धन्यवाद जी। तो प्रशासन पूरा अलर्ट है, तो आपने मैं दिखा भी दूंगा कि भाई किस तरह तक के कुछ सिस्टम है, एंट्री करवाई जाएगी और फिर तो जमींदारों के पास में फ़ोन करे गए हैं। सिर्फ दोपहर से पहला 25 जो जमींदार हैं उनको बुलाया गया है और दोपहर बाद भी 25 की एंट्री है। तो पीछे आपने दिखा देंगे अपने पवन जी हैं, ये एंट्री लग रहे हैं करण गेट पास जो दे रहे हैं, पवन जी करवा रहे हैं यहाँ पे आप देख सको हो। ये एक जमींदार भाई बात करना चाहूँ शायद। हाँ भाई जी, कि मैं कहना चाहूँ क्या जी, सरसों में मतलब एक के दो का है मॉइस्चर, दो बाकी आएंगी सारी आएंगी रह रही है जी। अच्छा, उसका इब ना तो कोई समाधान है, इब कौन है दो बजे पास ली आई हो कोई उस पास ली, उसका कोई समाधान नहीं है फिलहाल। नहीं, आपको फोन करा था इंदी? फोन करने के बाद में आपका टेम्परेचर उसका जो मॉइस्चर है वो चेक करा है? मॉइस्चर को एक दो पॉइंट थोड़ा ही फालतू है ज्यादा। नहीं, एक और है, नहीं जो ग्राफ बनाया गया है उसके शेड्यूल के हिसाब से तो अपन ने चलना ही पड़ेगा। समाधान तो होता हुआ जी, उसका समाधान बिन बता रहे हैं मामे इब घर पर ले जाएंगे। आप एक बात बताओ, घर पर मामे गेहूं का स्टॉक करांगे भी सरसों का करांगे, जो मैं 30 किलो भर रहा हूँ जी, मैं सोने का जगह की रही हूँ जी, कम से कम हमारी यार्ड मंडी में तो डलवा दे लो भाई, आपकी यहाँ पे अलग अलग कर लियो और यहाँ पे सुखा लो। इवन वहाँ घर जाओ जी, घर इब ऊपर से गेहूँ आ रही है, मामे नु बताओ वहाँ पे सरसों गेड़ा अगे मतलब गेहूँ गेड़ा जगह सोनना नहीं यार, नुकांग उल्टी ले जाओ जी। तो इस बारे में एक मिनट रुक जो, पता है क्या है? जो वैसे तो डाल सकते थे आप, लेकिन जो सोशल डिस्टेंस का जो तो मामला आया है तो उसके अंदर आप भीड़ नहीं कर सकते, अंदर नहीं प्रवेश करवाया जा सकता। हो सकता है जैसे जितने भी किसान रिजेक्ट हुए हैं ना, वो अलग अलग डलवा दे होंगे, यहीं पर डलवा दे और सूख जाएगी तभी। एक बात बताओ, अब जो से मेरा मॉइस्चर नहीं आया, मैं दोबारा फिर उसको ले आऊंगा सैंपल को और फिर भी मंडी में मतलब यहाँ किसके 10 चक्कर लगेंगे मेरे दिखाने में, उसका मॉइस्चर चेक करो जी ना, उसका मॉइस्चर चेक कर दे
नुका पूरी ट्राली ले गाओ उसका तब जाके उसका मॉइस्चर चेक करांगे को थोड़ी बहुत एक दो किलो एक किलो नहीं कर दे तो करा बात लिया। हेलो सुपरवाइजर साहब नरेंद्र जी एक मिनट यहाँ जमींदार हैं अपने तो इनकी समस्या है कि भाई एक दो मॉइस्चर का जो पॉइंट था वो ज़्यादा आया है और उसका जो मॉइस्चर है हम गांव में लेकर जाओ वहाँ सैंपल पे मॉइस्चर चेक नहीं करते पूरी ट्राली मंगावे हैं अगर उसके बावजूद भी कोई मॉइस्चर में दिक्कत आवे है तो इनका हमारी तो परेशानी कुछ ज़्यादा ही छिड़ गई है सीजन का टाइम। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ खरीद एफेड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है तो इनका मॉइस्चर का जो भी पैरामीटर वो 8% का है। ठीक है 8 से ज़्यादा होगा तो ये खरीद ही नहीं सकते। ठीक है ऊपर तो इनका 2 बजे तक का टाइम है इनको फिर भी सजेशन दिया गया किसान ना कि नहीं अनाज मंडी में अपने 2 बजे तक पहले सुखा कर एक बार दोबारा चेक करवा लो क्योंकि गर्मी बहुत पड़ा है 1-2 पॉइंट का मॉइस्चर कम हो जाएगा। ठीक है लेकिन ये भी इनकी मर्जी है क्योंकि ये तो अपने पैरामीटर पर खरीदे गए एफेड वाले एफेड का स्थित है इंस्पेक्टर उनसे एक बार बात कर लो क्योंकि उनका पैरामीटर 8% का है उससे ज़्यादा मैं वो खरीद ही नहीं पाऊँगा। तो आपा एफड के जो 30 हैं जो हैंडल कर रहे हैं उनसे भी बात करांगे और जो हैं आप बात करांगे। एक नमस्कार जी तो एक दो जमींदार की समस्या थी कि 1-2 पॉइंट ज़्यादा है और उसको मैनेज करने के लिए वापस घर भेजा जाना लग रहा है। नहीं तो सुखा लो अपने सरसम को सुखा के ले आओ कोई दिक्कत नहीं। तो वो कह रहे हैं कि गाँव में लेकर जाओगे तो दोबारा तो फिर मैं ट्रैक्टर लें नई मंडी है उसमें सुखा लो सुखा के ले आओ अपने। ठीक है ठीक है भाई जो जमींदार अपनी थोड़ी बहुत भी गिल्ली फसल लेकर आवे है तो वो यहाँ आने के बाद में भी नई अनाज मंडी है जो विस्तार मंडी है 87 किले में उसमें जाकर अपनी सुखा सके है और जो यह खरीद कर रही है ये एफर्ट कर रही है एफर्ट के अकॉर्डिंग बात करांगे कि इसमें आड़तियाँ कुछ इंटरफेयर है या नहीं है तो उसके लिए सतबीर जी हैं उनसे आप बात करांगे। सतबीर जी नमस्कार जी तो एक बात थी कि जो सरसों की खरीद हुई है उसमें आड़तियों का कुछ इंटरफेयर है या नहीं है उनका अभी क्लियर नहीं है हमारे पास पॉलिसी एफर्ट के पास अभी रिटर्न में आया नहीं है और जैसा होगा हम बता देंगे। फिलहाल एफर्ट अपने बेस पर ही डील कर रही है अभी तक तो एक एंट्री हुई है जैसे होंगी तो आज आदेश आ जाएंगे बता देंगे जहाँ पे भी आड़तियों का इंटरफेयर रहेगा। ऑलमोस्ट अभी तक कोई भी क्लियर नहीं हुआ है कि भाई आड़तियों का कोई इंटरफेयर होगा या नहीं होगा एफर्ट फिलहाल अपना बेस पे ही इसको हैंडल कर रही है और जो भी होगा आगे आपको पता चल भी जाओ क्योंकि रिटर्न में अभी तक कुछ नहीं आया है तो जो भी होगी बात आपको बता दी जाएंगी और हर चीज़ से आपको अवगत करवा दिया जाओगा लेकिन फिलहाल सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए काफ़ी स्ट्रिक्टता से मैंने प्रशासन निपटन लग रहा है पूरे साधन को सैनिटाइज कराया जाना लग रहा है आगे फिर टेम्परेचर चेक किया जाना लग रहा है कि भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है मास्क भी दिए जाना लग रहे हैं और उसके बाद में सिंगल एंट्री करवाई जाना लग रही है। तो हर बात की अपडेट के लिए आप मेरे साथ में जुड़े रहें मिला अगली वीडियो में तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद वंदे मातरम।